पर एक सवाल हम ये लेते हैं जब तक वो, कि सफर में नमाज का क्या मामला होता है। देखिए अच्छा सवाल है, सफर में नमाज का क्या मामला होता है। सफर में भी आपको नमाज पढ़ना चाहे आप सवारी में हो, उसी तरह से मिलते जुलते एक सवाल था सवारी में क़िबले का क्या करें और नमाज खड़े रहकर पढ़े या सफर में बैठकर पढ़ सकते हैं। जो दो तीन सवाल है तीनों को एक साथ ले लेता हूँ। सफर की नमाज का मामला ये होगा कि सफर के अंदर आप जो है नमाजों को मिला सकते हैं, फजर फजर के वक्त पे होंगी, जहर असर एक साथ पढ़ सकते हैं और मगरिब इशा एक साथ पढ़ सकते हैं। जहर असर को आप जहर के वक्त में असर मिला सकते हैं बाद में, या फिर असर से पहले जहर पढ़ के फिर असर पढ़ सकते हैं। मगरिब इशा मिला सकते हैं तो मगरिब में इशा मिला सकते हैं, या फिर इशा से पहले मगरिब पढ़ के फिर इशा पढ़ सकते हैं। ये तीन वक्त में नमाज आप पांच अदा कर सकते हैं सफर के अंदर, एक चीज। दूसरा, सवारी के ऊपर भी नमाज पढ़ सकते हैं आप, जैसा कि आप ट्रेन में है, बस में, एरोप्लेन में है। ट्रेन में आपको सहूलत होती है कि डायरेक्शन आप चुन सकते हैं, ये साइड बैठ जाए आप अपर, और अक्सर ऊपर की बर्थें खाली होती है, आप बोल सकते हैं दो मिनट में को नमाज पढ़ना है, इधर बैठ सकते हैं तो क़िबला मिल सकता है, इधर भी और इधर भी, समझ रहे हैं आप। तीन डायरेक्शन आपको फुल मिल जाते हैं, इधर 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 इधर, आप जो चाहे क़िबला अगर आपको कंपास से मिल जाता है आप आराम से क़िबला कर सकते हैं। बस और प्लेन में एरोप्लेन में आपको क़िबला नहीं मिलेगा इधर, इसलिए कि आप जैसे बैठे हैं वैसे ही आपका चेहरा होता है, उधर ही चल रहा है। हाँ अगर बस है और बस के अंदर समझ लीजिए आप स्लीपर में है तो वहां भी आपको फिर चारों डायरेक्शन मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप प्लेन में हैं तो प्लेन में मैं समझता हूँ स्लीपर बहुत कम होते हैं, स्लीपर क्लास, ठीक है। तो उसमें बिजनेस क्लास भी होगा, ज्यादा आप थोड़ा झुक सकते हैं लेकिन आपको उसके अलावा वो नहीं था, आप जिधर चेहरा है उधर आप वो कर सकते हैं। और ये हर चीज याद नहीं दी जा सकती कि आप चलती हुई ट्रेन में, चलते हुए प्लेन में, चलते हुए बस में खड़े रहकर नमाज पढ़े, इसलिए कि इसके नुकसान ज्यादा है। आप जब मजबूर हो, खड़े रहने की सकत हो लेकिन फिर भी हालात मजबूर कर रहे हैं, प्लेन में आप जा रहे हैं, वो एक तो डायरेक्शन उसका ऊंचा होता है और आप बोलेंगे नहीं मैं खड़े की नमाज पढ़ना है, फिर वो आपको इजाजत नहीं देते हैं, फिर वो बैठ के भी नहीं देंगे, फिर बोलेंगे आप डिस्टर्ब कर रहे हैं पूरे सिस्टम को। तो आप जगह पे बैठे रहें, आप बावजू हो और वजू के बाद आप जिधर आपका चेहरा हो आप उधर ही रकात बांध लेंगे अदर की। इसलिए कि अगर हाँ जो गाड़ी को आप रोक सकते हो, जैसे आप अपनी प्राइवेट बस में जा रहे हैं, प्राइवेट गाड़ी में है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फर्ज नमाज पढ़ते तो उतर कर पढ़ते नीचे और क़िबले की तरफ, और नफिल नमाज आपको ऊंट पर पढ़ते हुए देखा गया जबकि क़िबला इस तरफ था और आप उस तरफ देखकर पढ़ रहे थे, मतलब जिधर सवारी का मुंह हो उधर आप चेहरा करके नमाज पढ़ रहे थे नफिल में, और फर्ज में देखा गया कि आप उतर के पढ़ते थे। लेकिन मैं कहूंगा प्राइवेट गाड़ी नहीं है तो आप रोक भी नहीं सकते, एरोप्लेन हो गया, ट्रेन हो गई, प्राइवेट बस नहीं तो आप रोक नहीं सकते, तो लिहाजा आपको जो डायरेक्शन और सिमत मिले उस सिमत चेहरा कर लीजिए, क्योंकि फर्ज छोड़ा तो नहीं जा सकता, तीन तीन दिन के सफर, दो दो दिन के सफर कैसे छोड़ेंगे आप। तो बहरहाल जो सिमत हो वो सिमत में आप रहें, वजू कर ले, एक वजू कर ले तो आपकी हो सकती है। अब पानी की किल्लत का मसला भी होता है सफर में, सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है पानी की किल्लत का वो ये कि आप पानी परचेस करके वजू कर ले अगर ना हो तो, नहीं तो क्या करें, परचेस करके पानी और बार बार नहीं कर सकते तो आप पानी ले लें, असर आप इंतज़ार करें असर के वक्त तक, फिर आप असर के वक्त में जोहर पड़े और असर पड़े, एक घंटा या डेढ़ घंटा बैठने के बाद आपको मगरिब शुरू हो जाती है, अब फिर से वजू का टाइम नहीं है। अच्छा कभी वजू का पानी है, इतनी ट्रेन भरी हुई है कि आपको कदम रखने को जगह नहीं, अगर वजू करने जाना है तो वो सुपरमैन या स्पाइडरमैन बन के जाना पड़ता है, ऊपर से नीचे तो जा ही नहीं सकते आप। और उठने के बाद मसला है, महरम औरत साथ है, फिर वो हो सकता है कोई बैठ जाता है उसको तकलीफ, बच्चे है ना, नहीं होता है, वजू करके फिर बैठ जाए की जगह, फिर मगरिब का इंतजार किया, मगरिब का वक्त होती मगरिब की तीन पड़ी और ईशा की पढ़ ली और खत्म हो गया आपका। देखिए एक ही वजू से आपने चारों नमाजें निपटा ली, फजर फजर के टाइम पे होंगी, ये दो टाइमों में आगे पीछे करें तो ये बहुत आसानी से हो जाती है, ठीक। अब वजू का पानी का मसला है तो मैं लोगों को कहता हूँ किट, नमाज किट अपने साथ रखिए, एक मुसल्ला छोटा सा पतला, को मोटी जानमा जरूरत नहीं है कि बहुत जगह लेती, पतला आता प्लास्टिक का ताकि कहीं भी भिज जाए। दूसरा आप हमेशा अपने साथ ईट रखिए अच्छी घसी हुई अच्छी शेप में करके, टेढ़ी मेढ़ी मत रखिए वरना गवर्नमेंट एजेंसी समझेंगे कुछ तो भी एंटिक पीस तो ले आ रहा, फिर उसकी चेकिंग शुरू हो जाती क्या है बोलकर, शेप में कर सकते हैं उसको। या फिर सबसे बेस्ट चीज़ चौक पीस होते हैं तहारत के लिए, अगर पानी का मसला चौक पीस रख लीजिए किट। तैमूम के लिए मसला है मिट्टी नहीं मिलेंगी, पानी का मसला है तो तैमूम के लिए मिट्टी छान के आप भर लीजिए पैकेट में, तैमूम किट साथ आपके रखा हुआ है, पानी का मसला कोई मसला नहीं, मिट्टी डाली अपनी तैमूम हो गया, तहारत का मसला पानी नहीं कोई मसला नहीं, अपने चौक आपने जो है आपका किट तैयार है हर जगह, चूंकि नमाज की हिफाजत करता है एक मोमिन, याद रखता है वक्तों को याद रखता है, और जहां हो बहरहाल आप वो कर सकते हैं। बहुत सारी जगह नमाज की आजकल सहूलतें होती है लेकिन ना हो तो आप ये करें तो ना आपको क़िबले का मसला है, अल्लाह ने वक्त की सहूलत दे दी आपको, दो दो नमाजें आप पढ़ सकते हैं और फजर फजर के वक्त जोहर असर एक साथ मगरिब इशा एक साथ पढ़ सकते हैं। इस तरह आप अपनी नमाजों को बचाएं और उसकी हिफाजत करें, ना कि नहीं यार सफर में। और बहुत से लोग सफर में गाड़ी में खड़े रहकर और जमात से भी नमाज पढ़ते, अल्लाह रहम करे, और तुर्रा तो उस पर यह रहता है ऐ उठ नमाज पढ़ रहे हम, उठ तो बेचारे पूरे गैर मुस्लिम, हाँ साहब साहब सब आजाद, क्यों तब पहले ही मुसलमानों की छवि ऐसी बना दी मीडिया ने कि दाढ़ी देख के बेचारे परेशान हैं और उस पर उड़ बोलते वो भाग जाता, बोलता टिकट तुम्हारा साहब, बर्थ तुम्हारी, जिंदा रहा तो सब कुछ है ना, सब तुम्हारा, उड़ जाता हूँ उड़ जाता। और फिर एक आदमी बीच में खड़ा होता, उधर भी दो तहारत खाने इधर भी दो तहारत खाने, 72 लोगों की एक ट्रेन होती है लेकिन दिन में 5 बैठ सकते सीट पे,
ऑफिशियल तीन होते हैं लेकिन डे के अंदर पांच, और मैं जानता हूं ऑफिशियल तक एक एक डब्बे में 150-150 लोग भरा है। किसी ना किसी को तहारत की जरूरत है, डायबिटिक पेशेंट हो सकता है, किसी ने अपनी जो है ब्लड प्रेशर की दवा ली होगी जिससे उसको पेशाब बार बार आ सकता है, छोटे बच्चे पेशाब कर सकते हो, और आप जमात से नमाज बढ़ाएंगे तो क्या इन इतने लोगों के हक नहीं मार रहे हैं आप? एक मरतबा एक वाकया मैंने देखा कि एक साहब खड़े हो गए जमात बना के, मैंने कहा जमात नहीं बनाने की जरूरत, खड़े हो गए और एक छोटे से बच्चे ने पैखाना कर दिया। अब वो नॉन मुस्लिम औरत परेशान, और जो खड़े रहते गार्ड भी रख देते, वो मात चल रही, औरत नहीं जा सकती सामने से, वो परेशान, उसके पास डायपर नहीं, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं, वो गरीब औरत की सफाई कर ले, और आपकी नमाजों का क्या तसव्वुर लेंगी औरत की, यार क्या मुसलमान लोग नमाज के लिए मेरे कितनी देर तक, एक तो बदबू बर्दाश्त करना पड़ी, बच्चे को अजियत तकलीफ हो रही, माँ परेशान है इसके लिए, ये आपका काम नहीं, ये काम नहीं आपका, रास्ते रोकना, सड़कें बंद करना, ट्रेनों के रास्ते तो चलने फिरने के होते, हाँ आप उतर के नमाज पढ़ी, उतर के पढ़ी वो एक अलग चीज़ है, वो रिस्क है, लेकिन वो आपका छूट गई उड़ गई, वो रिस्क है। जब सहूलत दी जा रही है शरीर में तो आप क्यों रिस्क लेना चाहते हैं? ठीक है, और कितने दिन आप ऐसा अमल कर सकेंगे ऐसी जमातों से, नमाजें छूट जाती हैं, लिहाजा वक्त हो जाए मुसल्ला रखिए। एक और चीज़ थी इसमें आई थी, क्या जानमाज जरूरी नमाज के लिए? अब इसमें ये भी ले लेता हूँ सवाल को, जानमाज नमाज के लिए जरूरी नहीं है, जमीन का पाक होना शर्त है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी जौजा में से किसी नेक ने कुछ बिछा के दिया, आपने क्या कहा फर्शी नापाक है? कहा नहीं, तो कहा हटा दे इसको, मैं इसी पर पढ़ूंगा। नीचे पढ़ना चाहिए, सीधा सीधा सर आपका लगे जाके जमीन के ऊपर, ठीक है, ऐसी पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर गंदगी हो तो जानमाज, अब मसला ये है कि जानमाज को भी साफ जगह ढूंढते आप, फिर जानमाज क्यों बिछा रहे, डायरेक्ट पढ़ लीजिए ना साफ जगह पर। जानमाज तो वहां जरूरत है जहां जगह खराब है, अब जानमाज को भी एक जगह ढूंढते तो सबसे अच्छा प्लास्टिक की जानमाज यूज कीजिए, ताकि पानी भी हो तो कोई मसला नहीं, वो कोटिंग बन जाएगा उस पर, आपकी नमाज में कोई खलल नहीं आएगा उसे, प्लास्टिक की होती है ना, अगर पानी हो अच्छा गंदा दोनों भी हो तो कोई मसला नहीं, आप जिस जगह है वो जानमाज आपकी साफ होती है, ठीक है। तो बहरहाल हमको नमाज अदा करना है हर जगह, इसमें कोई छूट नहीं, ना सफर ना किसी को, तो लिहाजा सफर के ताल्लुक से, सवारी के ताल्लुक से, क़िबले के ताल्लुक से तकरीबन बातें इसमें आ गई। वक्त और क़िबला तो जानना आजकल सबसे आसान काम है, एंड्रॉयड हैंडसेट्स आपके सब कुछ बता देते हैं, टाइम टेबल होता है, सनराइज सनसेट, आप प्लेन में भी हो कहीं भी हो पूछिए, वो बताएंगे सनराइज ये है, सनसेट ये है, सनसेट को कितना बाकी टाइम है, सनराइज कब है, वो सब आप पूछ भी सकते हैं बहुत आसानी से, अपने दिन पर हम सफर में भी अमल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।